अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सबके मिजाज? अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामला के सदक़े तुफ़ैल आप सबको यूं ही शाद व आबाद रखे। आज की बाबरकत मुक़द्दस मुकर्रम मुअज़्ज़म नूर व नकहत में डूबी हुई पाकीज़ा शब जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम में शिरकत लंबी लंबी दूर दराज से मसाफत तय करके शिरकत फरमाने वालों की रब्बे कदीर अपने हुजूर में शिरकत व हाज़री को कबूल मकबूल मंजूर फरमा लें। मेंबर नूर पर कसरत से उलमा हुफ्फाज़ क़ुर्रा मसाजिद के इमाम इकराम मद्दहान खैरुल अनाम बिलखसूस मेरे बिरादर मुकर्रम मुअज़्ज़म शेर कालपी हुजूर गयासे मिल्लत मद्दसिल्लहुन नूरानी जलवा फरोज़ हैं। मदल्लल और कम्प्लीट अल्हम्दुलिल्लाह एक घंटे का खिताब आप सब लोगों ने समाअत किया। एक एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह मसलके हक मसलके आला हजरत के समंदर में गोता जन साफ और शफाफ आप लोगों की खिदमत में पेश किया। अल्लाह तबारक व ताला इस पूरे एक घंटे के खिताब को जो आप लोगों ने समाअत किया है सुना है उस पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक माशाल्लाह पहुँच चुके होंगे या बस चंद मिनटों में पहुँचने वाले हैं नबी रे सैयदना सरकार आला हजरत शहजादे व जानशीन हुजूर सैयदना ताज शरिया बदरुल तरीका हुजूर कायद मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह बस चंद लम्हात के बाद आमद आमद है उनकी। और माशाल्लाह बाद ईशा से लेकर के अब तक की पाकीज़ा मुनव्वर महफिल पाक के नक़ात है। मसलक के हवाले से बड़ी ज़रूरी बातें आप लोगों तक की पहुँचाईं। घरेलू और अज़वाजी ज़िंदगी के मुतालिक बहुत ही अहम गुफ्तगू फरमाई और वालिदैन के हुकूक़ और अदब व एहतराम बचा लाने के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत पैगामात आम किए। एक घंटे में आई थिंक मुझे लगता है कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहा जो बचा है, सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं टच किया है। वाह वाह, तो ये कंप्लीट पैकेज था आज के लिए सुभानअल्लाह आप सबके लिए आज का ये कंप्लीट माशाल्लाह पैकेज था। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। आज माशाल्लाह मेंबर नूर पर हम दोनों भाई भी हैं, मरकज़ अहले सुन्नत के मरकजी शख्सियत भी है और दुआ करें उस ज़ात के मुतालिक जिस ज़ात ने शहर मोहब्बत शहर पाली में लंबा लंबा वक्त दे करके आप सब की बातों को सुन करके रब के हुजूर पहुंचा करके आप लोगों की उम्रों में कारोबार में रिस्क में रोजियों में सेहत में तंदुरुस्तियों में अल्लाह ने जो बरकतें अता की हैं और जिसने ये दुआएं की हैं दुआएं खास व आम की हैं वो नाम नामी इसमें गिरामी हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लहुन नूरानी का है। उनकी भी जलवागरी और तशरीफ़ आवरी थी लेकिन मुझे लगता है कि रूहानी एतबार से वो ज़रूर कहीं ना कहीं हम सब के दरमियान मौजूद हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला उस नेमत अज़ीम को देर तक सभी के सरों के ऊपर तादेर कायम व दायम रखे। सेहत व सलामती के साथ अल्लाह तबारक व ताला उनको देर तक सलामत रखे। बहुत कसीर तादाद में माशाल्लाह मेंबर पर उलमा तशरीफ रखते हैं। इन सब की आमद पर हुफ्फाज़ क़ुर्रा की आमद पर मसाजिद के इमाम इकराम ज़वील एहतराम की आमद पर फ़कीर क़ादरी दिल की अथक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है। अब चूंकि मैं इस अंदाज में जो आप सबसे मुखातिब हूँ लल्ला तो उसकी वजह और रीज़न ये है कि 6:20 पर डिपार्चर टाइमिंग है मेरी फ्लाइट की। तो अगर इजाज़त दें लंबी मसाफत बिरादर मोहतरम मेरे बड़े भाई को भी 900 किलोमीटर की करनी है। बाइकार है माशाल्लाह या इन्हीं का काम है जो कर सकते हैं। मैंने कहा भैया वो लॉन्ग जो डिस्टेंस होता है शॉर्ट हो जाता है जब ही ये काम चल रहा है।
तो अगर इजाज़त हो तो हम खड़े हो जाएं और आप सब से इजाज़त ले लें। उससे पेशतर अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत नकाबत के जौहर लुटाने वाले ने मेरा नाम पेश कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मौजूदगी में उस फ़र्द का नाम पेश कर दें जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम आप सबको सुनाए। ये मुक़द्दस माह रबीउन नूर है, तारीखें तेज़ी के साथ गुजर रही हैं, तीसरी शब लग चुकी है। बस हम जिस मंजिल का इंतज़ार कर रहे हैं वो मंजिल वहाँ वो देखे मिसले गुलाब शादाब है, उसकी खुशबू से पूरा जहान मुअत्तर है, उसी नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद आमद है। बस अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहीमी करीमी से जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम पर हर सुन्नी जन्नती बरेलवी को खुशियां मनाने की इजाजत भी है और खुशियां हम सभी के लिए है भी, है ना। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां के मालिक को मुख्तार की आमद आमद के सदक़े में आप सबकी जिंदगी में खूब सारी खुशियां नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। लल्ला ऐलान कर दें। जी 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 हजरत इजाजत है फ़ेमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करें रब्बे कदीर हमारे इन बुजुर्ग मोहतरम शख्सियात को उम्र खिज़िरी अता फरमाए। आप हजरत अदब एहतराम को मलूज़ ख़ातिर रखें, बैठे रहें। मैं उलमाए किराम से भी गुजारिश करूँगा, उलमाए किराम की बारगाह में मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप बैठे रहें तो आवाम बैठी रहेगी।